नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मनेर थाना से 100 मीटर की दूरी पर स्थित कैनरा बैंक के पास से स्कूल जा रही छात्रा को अपराधियों द्वारा नशीले पदार्थ से बेहोश कर किडनैप करने का मामला सामने आया है। हालांकि छात्रा को किसी कारण से अपराधी दानापुर के चंदमारी के पास छोड़कर फरार हो गए। वहीं इस मामले में छात्रा के पिता के द्वारा थाने में लिखित शिकायत दी गई है। वहीं इस घटना को लेकर छात्रा का परिवार काफी परेशान है। बीच में रास्ता खाली पड़ता है, वहाँ ज्यादा लोग जाते हैं, तो उस टाइम पर अपन जा रहे हैं। वहाँ तो बगल में मतलब पास में है गाड़ी घूम रही चार और थोड़ा ही 1 इंच का लगभग दूरी था। और तुरंत वो लोग जैसे मतलब हम बगल में थे और थोड़ा गाड़ी घुमा के और फिर गेट खोल कर अंदर चले। उसके बाद चेहरा फोन में दिखा नहीं, चेहरा था मेरा कपड़ा बंद हुआ था और अंदर जैसे हमको जो लोग समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के साहिट गांव में पेट्रोल पंप व्यवसायी राजेश्वरी प्रसाद सिंह के बेटे राजेश प्रकाश उर्फ निशु सिंह ने फतेहा रेलवे गुमटी के पास ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पूर्व मृत युवक ने धारदार हथियार से बुधवार की सुबह अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी थी। बीच बचाव करने पहुंचे माँ बेटे और बेटी को भी युवक ने काटकर जख्मी कर दिया था। प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह घरहरपुर को मोबाइल पर सूचना मिली कि निशु जी राजेश रंजन सिंह ओरिजिनल नाम है, निशु जी के नाम से लोग जानते थे, हम लोग भी यही जानते थे। इनके यहाँ जो इस तरह का जो है स्वाद ये डिस्टर्ब हो गए, फ्लस्टर्ड हो गए किसी परिस्थिति में किसी कारणवश, और अपने पत्नी को अपने बच्चे को जानलेवा हमला किए, माता को, और खुद जाके ट्रेन में कट गए विद्यापति से आगे फतेहा हॉल्ट के समीप। ये क्या करते थे और इनका क्या? ये शुद्ध व्यवसायी थे, बहुत सज्जन थे, सुशील थे, सामाजिक आदमी थे। किसी से अपने फरीक से गोतिया भाई बंधु इलाका में किसी से इनको कोई द्वेष भावना नहीं था, बहुत जो है शांत प्रकृति के लोग थे। और इनकी इस घटना से तो लोग जो है सो बहुत यहाँ जो है सो माने शोक में है कि भाई क्या कैसे लगता है, क्या लगता है? यह पारिवारिक मामला है। घर में जो राजेश जी हैं थोड़ा डिप्रेशन वगैरह में, अपने भी कुछ दिन से बीमार थे और तनाव में रहते थे, पत्नी के भी पहले जो है कैंसर की बीमारी थी, वो भी अपने घर में ही कुछ जो है पति पत्नी में ही कुछ विवाद हुआ है और इसी में घटना घटी है, इसी में बच्चे वगैरह और माँ गई हैं, उनको भी चोटें लगी हैं। नंदिनी नाम, कुल कितने मतलब जो है घायल हैं और कितने की मौत? बेटी है नंदिनी है और बेटा राजवीर है और उनकी माँ है जी हैं जो है। बड़ी खबर बेगूसराय से सामने आई, जहां भरी पंचायत में हुए हिंसक झड़प के दौरान लोग 4 लोग घायल हो गए। दर्जनों लोगों के बीच हुए मारपीट को देख जहां घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई, वहीं हिंसक रूप से देख पंच भी 9-2-11 होने में अपनी भलाई समझी और सभी मौके से फरार हो गए। घटना जिले के चेरिया वरियारपुर थाना इलाके की है। हमारे थाना बरकुड़वा में तो ये भाई था, उसका लड़की ने भाग गया था, ठीक है, तो उसमें हम लोग समाधि दबाव दिए थे, जो अपना में मिलजुल कर जैसे होगा ऐसे वो न करे तान के बोलने लगो, हम लोग समझाए उस पर लाठी भला जैसे हुआ ईट पत्थर से कूटना शुरू कर दिया हम लोग। वो लोग ज़्यादा संख्या में था, हम कम थे, हो गया करीब करीब तीन चार महीना। 4 महीना पहले? हाँ। किनका लड़की था? उत्तम यादव। तो उस लड़की अभी वहीं है? वहीं फरार है। पिछले महीने बेगूसराय में एक निजी फाइनेंस कंपनी में कार्यरत दुलारपुर नयानगर निवासी सितेश कुमार के अपराधियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर बरौनी के पास हत्या कर दी थी। हत्या के बाद कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जब इस मामले में फाइनेंस कंपनी के संचालक से मिलकर बात की तो उन्होंने 5 लाख मुआवजा देने की बात कही थी और बाकायदा कंपनी के लेटर पैड पर लिख कर इस बात का समझौता भी हुआ था। लेकिन आज हत्या के लगभग 1 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी कंपनी के मालिक की तरफ से कोई भी सहायता की राशि मृतक के परिवार वालों को नहीं दी गई है। इसी की जानकारी होने के बाद राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने सितेश कुमार के पिता से मिलकर वास्तविक स्थिति का पता लगाया। बेगूसराय कलम की भूमि रही है, राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि रही है और इस तरह के जो आपराधिक तत्व के लोग हैं, असामाजिक लोग हैं, वो बेगूसराय को बदनाम कर रहे हैं और आज जो बेगूसराय का नाम देश दुनिया में दिनकर जी के चलते जाना जाता था
आज आप देख रहे हैं कि विगत दो हफ्ते से इंटरनेशनल मीडिया में शूट आउट के लिए जाने लगे, तो ये तो बहुत दुखद है और लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। आज जो हम लोग आए हैं इस घटना पर हम लोग जिक्र करना चाहेंगे, सितेश जी के हम लोग हैं और पीछे में हमारी जो एक माता जी खड़ी हैं, उनकी पत्नी खड़ी है। आप देख सकते हैं हालात घर का, एक छोटा सा बच्चा है महज साल भर के, अभी अभी उनकी शादी हुई है 3 साल पहले, जिस दिन उनकी हत्या की गई उसी दिन उनके बेटे का जन्मदिन था। जो तीज करती हैं महिलाएं उसी दिन तीज का नहाय था। मोकामा नगर परिषद की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है, तमाम उम्मीदवारों ने जनता को रिझाने की कोशिश तेज कर दी है। वार्ड नंबर 15 में भी चुनावी संपर्क अभियान उफान पर है। इस वार्ड से युवा तुर्क सोनू कुमार ने भी जनता का दिल जीतने के लिए जमकर पसीना बहाना शुरू कर दिया है। जनता का आशीर्वाद मिलने पर सोनू कुमार का दरवाजा हर जरूरतमंद लोगों के लिए हमेशा खुला रखने का संकल्प लिया गया है। हम वार्ड नंबर 15 से खड़ा हुए हैं और वो वार्ड नंबर के सभी जनता को मेरा प्रणाम है, छोटे भाई को आशीर्वाद है, शुभकामना है। और जितना भी वार्ड नंबर 15 में पिछले 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ है और हम सिर्फ आश्वासन मिला है और इस बार हमको सब मिलके बोले हैं खड़ा हो, हम खड़ा हुए हैं, सबका आशीर्वाद लेके और ढंग से निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। वहीं सड़क दुर्घटना से एक जुड़ी बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आई, जहां देर रात ट्रक और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई जिसमें दोनों गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए। घटना जिले के कल्याणपुर थाना इलाके के चकिया के सरिया रोड के कैथवलिया के पास की है, जहां रात के 2 बजे बिस्किट लदे मिनी ट्रक और गिट्टी लदे ट्रक में आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई जिसमें दोनों गाड़ियों के पर खच्चे उड़ गए, साथ ही दोनों गाड़ियों के चालक भी घायल हो गए पर दोनों मौके से फरार है। घटना हुए हुए कि हम लोग को पता चला है 2:10 के आसपास में कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो सूचना मिलने पर हम लोग आए हैं। कौन है आप? चौकीदार। क्या नाम आपका? सुभाष कुमार राम। क्या सूचना मिला है आपको? सूचना मिला है कि सिमली के पास में एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक और ट्रैक्टर का। अच्छा, तो सूचना पर हम लोग आए हैं, यहाँ ड्यूटी में है। अच्छा, को आपको सूचना दिया? अजय सर, SI थाना का। अच्छा, घटना में कोई मरबू किया है? ना, हमको सूचना नहीं मिला अभी तक, सूचना नहीं मिला। अच्छा, इस दोनों गाड़ी पर के ड्राइवर? कटिहार जिले के प्राणपुर थाना क्षेत्र के भलगोर और रामचंद्रपुर गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क मार्ग पर बांस से लदे ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत दर्दनाक हो गई। घटना को देख स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों के द्वारा घटना की जानकारी प्राणपुर थाना अध्यक्ष अजमद अली को दी गई। सूचना पाकर थाना अध्यक्ष अली ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। में बिस्तरी प्रोग्राम हो रहा था, ये गया था देखने के लिए, देखकर उधर से लगभग 8:30 बजे उधर से वो आ रहा था, इधर से केवला में बांस ट्रक लोडिंग होता है, इधर से जो जा रहा था इतना स्पीड में था कि हम लोग इधर से बिस्तरी प्रोग्राम, हम लोग भी 4 आदमी इधर से देखने के लिए जा रहे थे, उधर से एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, तो वो बोलता है कि देखो भाई आगे में एक आदमी एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोग सोचे तो चलो झटक के चलो कौन सा आदमी एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोग आगे गए। जैसे गए हैं सिक्योरिटी को देखें, नहीं भाई मेरा भगना है, और जैसे देखें तो भगना है ही है, शकल से पैंट शर्ट से पहचान लिए। ये था कि हम लोग तो इधर से नाच देखने जा रहे थे, रामचंद्रपुर के बबनी में नाच हो रहा था, वहाँ जब गए वहाँ से मेरा भगना भी था साथ में, वो थोड़ा साइकिल चला रहा था, वो साइकिल से जा रहा था आगे, और इधर से ये बांस ला के वल्ला से लोडिंग होके ये जा रहा था और ये उसको कुचल के वो चल गया आगे बढ़ के, तो हम लोग तो उसको देखने नहीं पाए, हम जान लिए थे उसको, वहाँ पे स्पॉट डेट हो गया तुरंत, वहाँ से गए घर खबर किए उसको, बाद 10 आदमी आई वे किया, उसको बताया गया है कि और कि ऐसा कि क्यों हुआ, कौन था, के न था, ये हमको बताना चाहिए मगर हमको समझ में नहीं आया, तो उन्हें हमको दिमाग तो थोड़ा हड़बड़ा गए, ठीक है, यही कहना और कुछ बात नहीं। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट हुआ था कि यहाँ से बांस लोडिंग ट्रक था। मुंगेर में कुख्यात अपराधी पवन मंडल के सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 पीस देसी कट्टा, 1 पीस देसी मास्केट, मोबाइल, विदेशी शराब बरामद किया गया है। वहीं SP ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। सूचना इकाई इनके द्वारा रेड किया गया, उसमें
सुधार पे देसी का दो देसी मार्केट एक कार्तूस चेक्स मिला है, कुछ मोबाइल मिला है और उसके साथ ही शराब का कुछ टूटी पेट ढूंढता है और शराब बोतल भी मिला हुआ। और छापेमारी दल में हमारा जो थाना अध्यक्ष वगैरह भी नहीं थे, उसमें मजदूर बच्चा मकदूर और इंस्पेक्टर थे और उनका ड्यूटी। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।